हम आपको करा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के दर्शन। आप देख सकते हो और हेलीपैड देख सकते हो, ऊपर उड़ रहा है और आगे की तरफ है हेलीपैड, और आप हेलीपैड के द्वारा भी यहाँ पर आ सकते हैं। और कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, बस के द्वारा भी, और पैदल यात्रा है पूरी 22 किलोमीटर है, वैसे तो 16 किलोमीटर लिखा है लेकिन 22 किलोमीटर पड़ जाती है, तो मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम टैक्सी से आ चुके हैं, सोनप्रयाग से यहाँ तक गोरीकुंड तक उतार दिया, और यहाँ से जो है 1 किलोमीटर अभी हमें आगे जाना है, और देखते हैं 50 रुपये होते हैं इसके यहाँ पर चार्ज। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ से जो है स्टार्टिंग है केदारनाथ की, 16 किलोमीटर है लिखा हुआ है लेकिन भाई 23 किलोमीटर तक पड़ जाता है आपको। तो अभी यहाँ से चलेंगे और दिखाएंगे आपको, सारा रूट दिखाने वाले हैं और यात्रा की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे हम। तो आप सामने देख सकते हैं श्री गौरी माई मंदिर है, और यहाँ पर आप दर्शन कर अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है गौरीकुंड। यहाँ पर 2 कुंड है, एक ठंडा और एक गर्म, और आप देख सकते हैं भाप भी निकल रही है यहाँ पर, और इतना गर्म है ये प्राकृतिक है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर आकर क्या नाम है स्नान कर सकते हैं, यात्रा करने से पहले जो भी आपकी थकावट होगी वो पूरी दूर हो जाएगी। देख सकते हैं गौरीकुंड के दर्शन करा रहे हैं हम आपको पीछे। तो ये जो है यहाँ पर काउंटर होने वाला है घोड़े खच्चर के लिए गौरीकुंड में, और ये सारे रेट लिखे हुए हैं, आपको कितनी दूरी पड़ने वाली है आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं पूरी लाइन से यहाँ पर घोड़े खच्चर लगाए हुए हैं, और आप यात्रा जो है अपनी घोड़े खच्चर द्वारा कर सकते हैं यहाँ पर। तो सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पालकी लेके जाते हैं, आपको इसमें बिठा देंगे और आपको पूरी यात्रा कराएंगे। तो थोड़ी दूरी पर चलकर यहाँ पर देख सकते हो सूरज चढ़ चुका है। महादेव, हम कितने बजे चढ़े थे वहाँ से? 6:30 बजे हम निकले थे गौरीकुंड से, और 5 किलोमीटर दूर आके हम यहाँ पे पहले स्टॉप पे हम रुक रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं भाई लड्डू खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं हम लोग। और यहाँ से 11 किलोमीटर दूर बाबा का मंदिर है, और अगर आप जाते हैं, अगर आप आते हैं तो ट्रैकिंग में बीच बीच में रेस्ट जरूर ले, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, और रास्ते में पानी वगैरह आपको मिलता रहेगा, और रास्ते में आपको पानी वगैरह भी मिलता रहेगा। और यहाँ पर आते हैं ना तो भाई पैंट वगैरह पहन के ना, जींस पहन के ना, केवल लोअर पहन के। देखो रामबाड़ जो है 1 किलोमीटर है, और छोटी लिनचोली जो है 2.5 किलोमीटर है, और लिनचोली 5 किलोमीटर, छानी कैंप जो है 6 किलोमीटर, रुद्र प वाइट 8 किलोमीटर, और बस कैंप जो है 8.5 किलोमीटर, और केदारनाथ जो है 10 किलोमीटर रह गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये यहाँ पर एक झरना जा रहा है, मतलब झरना नहीं कहेंगे, हल्का हल्का यहाँ से पानी निकलना है, आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ पत्थर वगैरह। तो अभी हम आए थे भीमबली की तरफ, आप देख सकते हैं पीछे जो है मेरे मंदाकिनी नदी बह रही है, और कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है, और अभी यहाँ पे ना हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई है, बारिश की हल्की हल्की बूंदें आ रही है, और देख सकते हो बहुत ज़्यादा काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर, और देख सकते हो चारों तरफ जो है मौसम कितना शानदार हो रहा है। तो भाई अभी खा रहे हैं मैगी, तो मैगी के बारे में कुछ कह रहे थे तरुण भाई, बताना क्या कर मैगी रहा तो भाई ये मैगी जो है ना सादा मैगी है, नीचे जो है 50 की मिल रही थी, यहाँ 60 की मिल रही है, और इसके अंदर मतलब जो 12 का मैगी का जो पैकेट आता है 12 रुपये का, सिर्फ वो है, टमाटर प्याज पुदीना उदीना वो सब कुछ नहीं है, सादा एक मैगी है। तो खाते पीते जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और यात्रा आपको भी इंजॉय करा रहे हैं। तो जो सारे हैं वो शॉर्टकट से ही आ रहे हैं यहाँ पर, वो वाले रास्ते से तो कम ही बंदे जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं सीधा सीधा। तो भक्तों आप देख सकते हो यहाँ से हमें बर्फ दिखनी चालू हो गई है, इस साइड भी बर्फ है, इस साइड भी बर्फ है, और जो लोग हैं बर्फ में मस्ती कर रहे हैं इस साइड देख सकते हो आप, और यहाँ से तो भाइयों अलग ही व्यू आ रहा है, सारी ऊपर देख सकते हो ग्लेशियर पड़ा हुआ है, और काफ़ी बर्फबारी हो रही है ऊपर, और सुनने में भी आया था काफ़ी बर्फबारी है ऊपर, तो देखते हैं ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से हमने चलना चालू किया था, आप देख सकते हो ऊपर जो है काफ़ी लोग जा रहे हैं बर्फ़ में, और देख सकते हो कितनी मोटी बर्फ़ की परत जो है यहाँ पे जमी हुई है, ये कम से कम 6-7 फुट की से ऊपर की बर्फ़ जो है यहाँ पर जमी हुई है, और आप इस साइड भी देख सकते हो, इस साइड भी काफ़ी जो है बर्फ़, वहाँ तक बर्फ़ ही बर्फ़ है, और यहीं से ही आप देख सकते हो बर्फ़ का जो पहाड़ है हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो है देख सकते हो बर्फ़। भैया आपको बर्फ़ दिख रही है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? भाई ये तो यार इसलिए तो आए थे, स्वर्ग में आ गए ऐसा लग रहा है। बिल्कुल भाई इसलिए तो आए थे यहाँ पे, तो देख सकते हो
पहले दिन पे आना बेनिफिट रहा। बिल्कुल यार, बिल्कुल बेनिफिट भाई। लास्ट ईयर भी आए थे, लास्ट ईयर भी आए थे, लास्ट ईयर भी आए थे, उस समय रात के टाइम पे आए थे। अच्छा, इवनिंग में, इवनिंग में आ गए। तो देख सकते हो काफी श्रद्धालु आए हुए हैं, और बाकी आपको मैं बर्फ दिखा रहा हूँ। बर्फ जो है भाई वो बहुत ज्यादा मोटी परत यहाँ पर जमी हुई है, देख सकते हो आप। और अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं केदारनाथ धाम की यात्रा में, और देख सकते हो ऊपर जो है पूरे बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, वहां तक सारा आप देख सकते हो ऊपर बर्फ ही बर्फ जम रही है। और अभी चल रहे हैं सीधे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं केदारनाथ धाम जो है आने ही वाला है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है और इतने मोटे बर्फ के ढेले हैं। देखो भाई, ओ भाई साहब, तो टूट जाते हैं ऐसे। ओ भाई साहब, बहुत ठंडा ठंडा बर्फ है भाई, एक नंबर है, पूरी वहां तक बर्फ पड़ी हुई है, देख सकते हो। यहाँ पर ना 6 से 7 फीट तो भाई बर्फ जम रही होगी ऊपर, प्यार से है ना? मैंने सुना उधर तो 10-12 फीट होगी कम से कम। और मैंने सुना ना ऊपर भाई काफी बर्फ बाड़ी हुई है, कम से कम यहाँ यहाँ तक बर्फ मिलने वाली है। तो देखेंगे, दर्शन कराएंगे आपको, तो मजे लेते हैं, चलो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ से बर्फ दिखना जो है शुरू हो चुकी है, पीछे जो है कितनी मोटी बर्फ की परत जो है जमी हुई थी वहां से देख सकते हो आप। वहाँ देखो कितनी ज्यादा बर्फ हमें दिख रही है, और अभी चल रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको, सारी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी हम आए हुए हैं छैनी कैंप में, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंप वगैरह की व्यवस्था करी गई है, छैनी कैंप यहाँ पर लगाया हुआ है। और देख सकते हो यहाँ पर बर्फीली पहाड़ियाँ हैं सामने, और बहुत सुंदर व्यू हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, और सारा कवर हुआ हुआ है बर्फ से, आप देख सकते हैं चारों तरफ। तो भाई से पूछ लेते हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप देख सकते हो स्वर्ग में हम आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बाबा ने बुलाया है, पैदल नहीं करने अभी तक, इतना लंबा 22 किलोमीटर चल लिया हमने। अच्छा, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई अभी तक? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आई है, चलते हुए मतलब थकावट हो रही है कैसे? अभी तक तो थकावट नहीं हुई, थकावट नहीं हुई, बाबा जी का नाम लेकर चल रहे हैं। जैसे केस में थोड़ा सा चल गया था, थकावट हो गई थी, यहाँ 22 किलोमीटर चल गया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, और बाकी हमें पता लगा कि ऊपर हैवी स्नोफॉल हो रही है, तो रहने की व्यवस्था थोड़ा सा हिसाब किताब कैसा होने वाला? नहीं पता, बाबा पे छोड़े हुए, बाबा पे छोड़े हुए। तो देख सकते हैं यात्री यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, और एक बार ही बोल दीजिए हर हर महादेव। तो देख सकते हैं इस तरह से यात्री जो है काफी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी जर्नी को कर रहे हैं, और ये डंडा वगैरह भी इस्तेमाल होता है, डंडे वगैरह की सहायता से हम ऊपर तक जा सकते हैं, है ना? तो भाई मैं आपको ऊपर से यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ, कितना शानदार व्यू हमें देखने को मिल रहा है। और आप ये वाली यात्रा है, ये मार्ग है, आप यहाँ से चलते हुए जा सकते हैं, और इतनी मोटी परत दिख रही है आपको, देखो इंसान यहाँ से जा रहे हैं और ऊपर तक बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, और ये हमारे पैर जो है फिसल भी रहे हैं, तो सावधानी से यहाँ से जाएं, और देख सकते हो बर्फ ही बर्फ है वहां तक। तो रणदीप भाई ऊपर जा रहे हैं बर्फ के ऊपर, देखो चारों ओर बर्फ ही, यहाँ पर, यहाँ पे बर्फ देख सकते हो टुकड़ा, कितना शानदार लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे सोने। एक बार खाके तो दिखाओ इसे। वो भाई साहब बहुत शानदार है, तो अरे वाह, ऊपर चढ़ो एक बार, गिर मत जाना, ध्यान से चढ़ना, चलो ऊपर चढ़ो थोड़ा सा और। तो भाई साहब यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना भाई, बहुत ज्यादा शानदार व्यू है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ से आप चलते हुए आएंगे, और आप देख सकते हो कितनी मोटी परत जो है हमें देखने को मिल रही है, 12 से 15 फुट यहाँ पे बर्फ जमी हुई है सारी, और सारी तरफ ही बर्फ है, और आप देख सकते हो पूरी बर्फ जो है नीचे तक गई हुई है, वहां तक गई है सारा भाई, हमें वाइट हमें बर्फ दिख रही है यहाँ पर, गंदी बर्फ नहीं है, नीचे की तरफ जो थोड़ी सी बर्फ थी ऐसी सी, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल प्योर बर्फ है, बिल्कुल वाइट बर्फ है। और अभी हम आपको लेकर जाएंगे, और सारी यात्रा में कहाँ कहाँ बर्फ पड़ी हुई है सबको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर बर्फ पहाड़ों पे ही नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में भी काफी बर्फ जो है दिख रही है हमें जमी हुई, जैसे आप रास्ते से चलते रहेंगे ना, तो आपको यहाँ पे भी साइडों में बर्फ दिखेगी, और कोनों कोनों में ना देख सकते हो यहाँ पे साइडों में काफी बर्फ है, और काफी बर्फबारी हुई है मेरे हिसाब से 2 दिनों में। तो भाई आप देख सकते हो हम नीचे से आए हैं चलते हुए, और हमें वहाँ पर जो है मोटी परत दिखी थी बर्फ की, और यहाँ पर भी, और एक चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये लैंड यहाँ पर स्लाइड होने का भी खतरा है, बर्फ फिसल सकती है, क्योंकि भाई ऊपर से बर्फ आती है फिसलते हुए, और ये रास्ता बनाया हुआ है। और बाकी हम दिखा रहे हैं आपको, और केदारनाथ जो है 2.5 किलोमीटर दूर है, और बेस कैंप जो है 1 किलोमीटर दूर है, और जो घोड़ा पड़ाव है 500 मीटर की दूरी पर, उसके बाद जो है घोड़ा वहीं रुक जाता है, और फिर वहाँ से आपको पैडल चलना पड़ता है।
तो भाइयों ये ऊपर देख सकते हो वहाँ पर बादल बादल हमें दिख रहे हैं और उस तरफ से पीछे का तो अभी हमको ये दिख नहीं रहा है। और देख सकते हो यहाँ से पूरी बर्फ यहाँ से यहाँ तक गई हुई है और यहाँ पर कुछ बर्फ जो है पिघली भी हुई है, पानी बना हुआ है और ये चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और जो मौसम हो रहा है काफ़ी है अच्छा हो रहा है और थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है, जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे ठंड जो है बढ़ती रहती है। तो मैंने पहले ही आपको बताया ठंड के कपड़े लेकर आना। और ऊपर तो भाइयों कुछ दिख ही नहीं रहा है पहाड़ों की चोटियों पर, मेरे हिसाब से वहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है। तो दिखाते हैं अभी, और ये रास्ता है, इसी रास्ते से हम जा रहे हैं ट्रैवल करते हुए। तो भाइयों यहाँ पर आकर ना काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है और फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए हैं, दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा है। तरुण भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो हालत हमारी ख़राब हो रही थी ना चढ़ाई करके, यहाँ पर आके थोड़ा शांति मिली है, रिलैक्स मिला है, काफ़ी रिलैक्स मिला है। देखो नीचे जो थी ना थोड़ी गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर जो है बर्फ़ देख कर ना दिल गार्डन गार्डन हो गया कसम से। और नेचर जो है ना यहाँ का बहुत ही शानदार लग रहा है हमें। ऐसा नहीं है कि ठंड भी लग रही है, हल्की हल्की ठंड लग रही है, लेकिन यहाँ पर यात्रा करते समय आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि ट्रैवल करते हुए आपको थोड़ा बहुत पसीना भी आएगा तो गर्मी लगेगी, तो उससे आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप ऊपर स्टे करते हैं तो वहाँ पर -4 से -6 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, मैंने देखा है। तो भाइयों देख कर आना और मोटे कपड़े रख कर जरूर आना। तो अभी तक ना हम जो रास्ते चलते हुए आ रहे थे वो पतले थे, और यहाँ पर जो रास्ता है ना काफ़ी बड़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी जो है श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे। और देख सकते हो वहाँ से भी रास्ता है, और देखते हैं चलते हैं अभी पहाड़ों में, आपको यात्रा कराते हैं हम चार धाम यात्रा में से केदार धाम यात्रा की। तो ये आप सामने देख सकते हैं टेंट वगैरह लगा रखे हैं, और असली बर्फ़ तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और आप देख सकते हो इस तरफ जो है ना पिघल रही है थोड़ी बहुत बर्फ़, और ऊपर तक आप देख सकते हो आपको बर्फ़ दिख रही होगी चारों तरफ। और ये ऊपर की तरफ ग्लेशियर है, और उस तरफ भी पहाड़ जो है बादलों से कवर्ड है, देख सकते हो आप चारों तरफ यही मॉल बना हुआ है। तो भाइयों यहाँ पर ऊपर भी आपको वॉशरूम की व्यवस्था करी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी करे गए हैं, और यहाँ टेंट वगैरह भी लगाए गए हैं। और अभी हम आ चुके हैं बेस कैंप केदारनाथ की तरफ। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं घोड़ा कच्चर जो है लास्ट स्टॉप होता है, यहाँ से आगे नहीं जाता, और आप जो है आगे तक आपको बेस कैंप तक भी पैदल जाना होता है, और केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए भी यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो लास्ट जो है घोड़ा कच्चर यहाँ तक आते हैं, और उसके बाद दर्शन करने के लिए आपको पैदल ही चलना पड़ता है यहाँ से। तो ये आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर ना बर्फ़ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी सी, और ये पिघल गई है यहाँ पर, और बाकी जो है यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। और पहाड़ देखो, पहाड़ों का नज़ारा देखो यहाँ पर, आनंद लो, घर बैठे हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे और पहाड़ों में भी आपको घुमाएंगे। और देख सकते हो उस तरफ ना तो बादल की वजह से दिख नहीं रहा, और यहाँ पर आपको देख सकते हो साफ दिख सकता है कि बर्फ़ जो है ऊपर तक कवर हो रखी है। तो भाई यहाँ पर ना बर्फ़ वगैरह हटा रहे हैं, आप देख सकते हो पूरा जो है यहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है, और यहाँ पर ना टेंट वगैरह सारे बर्फ़ से कवर्ड हैं, देख सकते हो सारे ख़राब हो गए यहाँ पर, मतलब ये टेंट लगाए होंगे इन्होंने तो बर्फ़बारी हुई ना काफ़ी, तो उससे यार टेंट जो है ना आप देख सकते हो सारे जो है ख़राब हो चुके हैं, और अभी इन्हें दोबारा से बनाया जाएगा। और देख सकते हो काफ़ी बर्फ़बारी हुई है यार। तो नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप में आपको रूम वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पर बंक बेडरूम होते हैं जो कि 800 रुपये होते हैं, GST लगाकर 896 हो जाते हैं। और यहाँ पर टेंट जो है ग्राउंड में अगर आपको सोना है तो 500 रुपये है, जो कि 60 रुपये GST लगा के 560 रुपये जाते हैं। और यहाँ पर चाय वगैरह 30 रुपये है, कॉफ़ी 40, मैगी 50, ब्रेकफास्ट जो है 150 रुपये, लंच जो है 250, डिनर जो है 250। बाकी ये आपको वेबसाइट दी हुई है, ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों अभी हम आ चुके हैं केदारनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए आपको, आप देख सकते हैं पीछे बाबा जी के दरबार के दर्शन करा रहे हैं हम आपको, और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, चारों तरफ काफ़ी जो है रौनक हो रखी है आप देख सकते हैं। और हम दर्शन कराएंगे आपको केदारनाथ धाम के अंदर से, और देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड यहाँ पर दिख रहा है चारों तरफ, और काफ़ी जो है अच्छा लग रहा है। हम चलते हुए आए हैं नीचे से कम 22 किलोमीटर चढ़ के आए हैं ना, तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून हो रहा है, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर, चारों तरफ बर्फ़ है, और यहाँ पर हम बाबा के आपको दर्शन करा रहे हैं। ये भीमशिला, इसकी ये मान्यता है कि माना जाता है कि जो 2013 में आपदा आई थी ना,
तो ये पानी इसे मतलब फिसलता फिसलता यहाँ तक आके और यहीं रुक गया था। इससे क्या हुआ था कि दोनों तरफ पानी डिवाइड हो गया था मंदिर के, जिससे कि मंदिर का मंदिर जो है सुरक्षित हो गया था। तो भाई ऊपर वाले की कृपा है, देख सकते हो आप। जूता उतार दे, अंदर आ मत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्नोमैन भी बना दिया है और ठंड से बचाने के लिए। और देख सकते हैं ये ना रियल स्नो है, देख रहे होगे आप, एकदम असली स्नो है। और आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर केदारनाथ धाम के दर्शन भी हम आपको करा रहे हैं।